गिर क्रीक के आसपास, गोरी क्रीक। नहीं, कोशिश कर रही हूँ। वो बच्चे थे, वो मंत्र जाप कर रहे थे। ये नहीं, ये तो मंदिर है ना अंकल। थोड़ा सा चलने के बाद आखिरकार मैं घाट पर पहुंच ही गया। आप आते ही आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। अगर फोटो खींचना हो या सोशल मीडिया में आपको रखना हो तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि फोटो प्लेस इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह हो, यहाँ पर ऐसी जगहें हैं और जो यहाँ की बना और मतलब यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात ही मत पूछो यार। मतलब आप सोचो तो सही कैसा कंस्ट्रक्शन है, देखो तो पूरा। उस जमाने में न जाने लोगों में कुछ तो बात होगी, खैर उस जमाने में कुछ होगा, इसीलिए तो आज हम इसके पीछे पड़े हुए हैं ना। अगर खजाना हो या कुछ पुरानी चीज़ हो तो हमें लगता है कि यार उस सालों से आज क्या बात है, दिमाग में से झुनझुना उठती है कि यार उस टाइम का अभी भी है। समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही होता है। बल्कि यार सच्ची में आज भी यही है, देखो आप कि कहीं पर नहीं गया, सब यहीं के यहीं है। बस साल गुजरते गए, लोग गुजरते गए, राजा बदलते गए और ऐसे ही समय गुजरता है। और हम इनको नहीं देखा तो ज़िंदगी में मतलब कुछ नहीं देखा। बस आप घाट का नज़ारा तो देखो यार, क्या घाट का नज़ारा है। और वाकई में जो यहाँ पर सनसेट पॉइंट है बॉस, सनसेट पॉइंट है, मतलब बात ही मत पूछो। और घाट की तो बात ही मत पूछो यार, देखो तो सही। सच में किसी ने सच में कहा है कि माँ रेवा का यहीं पर वास है। सच में वास है ही, जब आप यहाँ आओगे तभी आपको पता चलेगा कि माँ रेवा का यहीं पर हाथ है। तो आप सोचो तो सही, ये नर्मदा रिवर जो कुछ लोग इसे कहते हैं रेवा नदी और हमारे गुजरात में इसको नर्मदा नदी कहते हैं, तो ये दो राज्यों की जीवा पूंजी है। मतलब ये दो राज्यों को पूरा पानी पहुंचाती है। कोई भक्ति कर रहा है, कोई ना रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, मतलब बस मज़ा आ गया। मैंने सोचा कि नहीं इतना मज़ा आएगा, पर जब घूमने निकलो तभी ऐसा। पहले तो ऐसे हम क्या है ना कि हम लोग अकेले घूमने के लिए बार बार यही कहते कि यहाँ वह कुछ हो जाएगा, वहाँ अच्छे नहीं होगे तो वहाँ कुछ हमें कर देंगे तो कुछ ज़्यादा हमसे पैसे ले लेंगे। अरे यार ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे परिवार वाले। तो आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि ये हमारा नहीं है, ये दूसरा का है, ये वैसे लोग है। यार हमारी सोच बदलो तभी हम देश बदल पाएंगे। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है पर वहाँ के लोग ये है वो है, उनके बारे में मत सोचो। बस आप निकल पड़ो, दिल में अच्छा है तो आपके साथ सब अच्छा होगा। बस निकल पड़ो, अच्छा बैग उठाओ और निकल पड़ो। दिल में ऐसा कोई भी ख्याल, दिमाग में ऐसा कोई ख्याल मत लाओ कि तुमको परेशान करे, बस निकल पड़ो। बस जो खुशी घूमने में है और मतलब बात ही मत पूछो। तो यही मैं कहता हूँ कि हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, बस सोच हमारी बुरी होती है। हमारी सोच अच्छी तो सब लोग अच्छे। बस यही आशा और यही विचार के साथ अगर आप आगे बढ़े तो हम देश को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं और इन जगहों को अच्छी रख सकते हैं। यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँ तो बोटिंग कर सकते हैं आप, बोट में बैठकर पूरी जो ये नर्मदा रिवर है इनमें आप घूम सकते हैं और पूरा घाट देखने को मिलेगा। तो ये भी एक आप कर सकते हैं। और घाट में तो बाकी तो आप घूम ही सकते हो और क्या बढ़िया, कुछ काफ़ी ज़्यादा है करने के लिए। पर अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बोट में और बोटिंग करेंगे अपन। चलो ये बैठ गए हम बोटिंग में, अब यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं कैसा आता है फील, कैसा मज़ा आता है। एक्साइटेड
हमारी बोट राइड खत्म हुई, शायद आपको अच्छी लगी और आपको देखने में भी मजा आया होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। रियल में जो देखने में मजा है वो कहीं पर नहीं है। अगर आप वीडियोस में तो हर कहीं पर देख लोगे, पर जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक वो फील जो आता है वो फील नहीं आएगा। मतलब क्या बोस बताऊँ, मतलब जो खुशी मिली, जो मज़ा आया, जो दिल को छू जाए, ऐसे कुछ काम करो, घूमो यार, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, हमारे देश को देखो, हमारे इन घाटियों को देखो, इन मंदिरों को देखो, बस घूमो यार, घूमो। ना कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुड मॉर्निंग। अभी अभी जो आपने देखा वो घाट का, महेश्वरी घाट का सुबह का नज़ारा था, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप फिर से देखो, आपने देख तो लिया है पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ। और जहाँ पर मैं हूँ ये वाला अहिल्या मंदिर के पास में ही जो किला है वहाँ पर सुबह सुबह मैं टहल रहा हूँ। तो सुबह सुबह मैं यहाँ का नज़ारे की बात करूँ तो सुबह सुबह आके ही मैंने देखा कि पहले नर्मदा नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर पूजा करते हैं और बाद में ऐसे ही चलता रहता है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं और पवित्र होते हैं। और कुछ लोग मैंने देखा कि यहाँ अपनी वेडिंग के लिए शूट करने आए हैं और कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। कब से यहीं पर मैं हूँ, सुबह और शाम ऐसी एनर्जी होती है, मतलब दिल खुश हो जाता है, बस कुछ बात ही मत पूछो। सारी तरफ पंछी और इतना मौसम सुहाना लग रहा है, बस बात ही मत पूछो एकदम। और धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है, क्या अजीब फीलिंग है। आप यहाँ एक बार आना जरूर। नरसिंहपुर जिला, वो कहाँ पर? यहीं पर है, मध्य प्रदेश में ही है। क्या डुबकी लगाई? नहीं, 4 बजे। 4 बजे शाम के? 4 बजे सुबह के? सुबह 4 बजे लगा ली, क्या बात है। ठंडा नहीं लगता पानी? ठंडा नहीं लगा आपको? क्या बात है भाई, ये होती है भक्ति बॉस। लोगों की आस्था और श्रद्धा से लोग 4 बजे या 12 बजे रात को बोलोगे तो भी वो ठंड डुबकी लगा लेंगे इस नदी में। और आपने देखा है कभी इसका ठंडा पानी कैसा है? एक बार आके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि 4 बजे ये लोग कैसे डुबकी मारते हैं, कैसे डुबकी लगाते हैं 4 बजे। अगर दिल में श्रद्धा है तो पत्थर को भी हम पूज कर भगवान बना सकते हैं। हमारे देश ने योग में जो योगदान दिया है, जो ऋषि मुनियों योग कर भी बड़ी बड़ी बीमारी खत्म कर गए,
तो आज वैसे ही योग आज भी जिंदा है और इन घाटों पर सुबह सुबह आकर काफ़ी सारे लोग योग करते हैं, कसरतें करते हैं। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ जो यहाँ पर योग कर रहे हैं या अपने मन की शुद्धि के लिए योग कर रहे हैं उनको मैं दिखाऊँ, उनको शूट करूँ। और हमें भी योग करना चाहिए क्योंकि उनसे मन की शांति और तन की शांति सब मिलता है। योग की बात करें तो कई सालों से कई ऋषि मुनियों भी करते थे, तो आज भी हमारे लिए हमारे अंदर आज भी हमारे देश में वो संस्कृति जिंदा है। कुछ लोग सुबह सुबह आकर यहाँ पर योग करते हैं, देखिए आप उनको। विदेश के लोग भी यहाँ आकर हमारी इस घाट पर मेडिटेशन यानी योग करते हैं। वो भी जानते हैं कि योग में क्या मानसिक शांति है। दूसरे देश के लोग यहाँ आकर हमारे देश में आकर योग करते हैं और आज हम लोग है कि खैर क्या बताऊँ बस। घाट के बारे में और एक आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा सा व्यू देखना है, बढ़िया सा, मतलब दिल खुश हो जाए ऐसा, तो इवनिंग के टाइम सनसेट पॉइंट होता है तब आना, क्योंकि तब इस यहाँ का नज़ारा जो खिलता है बॉस क्या बताऊँ, मतलब खतरनाक बॉस, एकदम बढ़िया, दिल को छू जाता है ऐसे। ऐसे लगता है कि बार बार देखते ही रहिए। और जो सनसेट पॉइंट होता है मतलब चुम्मा बॉस, चुम्मा क्या बात है बॉस, एक नंबर है। मतलब मैं सनसेट पॉइंट देखता ही रहा कि यार इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल मोमेंट था सनसेट पॉइंट का, मतलब बात ही मत पूछो बॉस। और घाट की तो 10 of 10 ले लो ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप आओ और देखो यहाँ पर, फिर आपको पता चलेगा कि मैं वैसे ही इसकी तारीफ नहीं कर रहा। जब देखोगे तब ही आपको पता चलेगा कि सच में यार जो, और ख़ास करके हाँ इवनिंग टाइम पे आना, सनसेट पॉइंट के सनसेट टाइम हो तभी आना, तो उसका एक अलग मज़ा है। ओम जय जगदानंदे, ओम जय जगदानंदे, माया जय आनंद कंदे, ब्रह्मा हरि हर शंकर, देवा शिव हरि शंकर, रुद्र पालंदे, ओम जय जगदानंदे। यहाँ पर टाइम स्लिप भी ख़त्म होता है और यहाँ पर हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है। वीडियो तो ख़त्म होगा आखिर थोड़ी देर में, क्योंकि आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखानी है, सनसेट पॉइंट। एक बार सनसेट पॉइंट देखना, जो दिल में ऐसा, मतलब ऐसा इतना, मुझे तो इतना अच्छा लगा जो मैंने सनसेट पॉइंट देखा, इतना मज़ा आया और इतना अच्छा लगा, दिल को छू गया बॉस। ऐसा सनसेट पॉइंट देखने के लिए मैं बार बार आ सकता हूँ। और सनसेट पॉइंट के बाद ये वीडियो होगा ख़त्म। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करेंगे और उनको दिखाएंगे कि यार हमारी भारतीय संस्कृति और इनमें भी जो माँ रेवा का वास बसा हुआ है वो एक अलग ही बात है। रेवा पिक्चर है गुजराती में, उसको बेस्ट फिल्म
बेस्ट फीचर फिल्म जैसा कुछ अवॉर्ड मिला है हाल ही में, कुछ नेशनल अवॉर्ड मिला ही रेवा पिक्चर में। उसमें जो सीन है, जो सारी पूरी नदी को पार कर कर उस छोर पर जाती है, तो ये महेश्वरी घाट से लिया गया है।